काजी फैज ईसा की सरबराही में जारी फुल कोर्ट इजलास खत्म। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास का इलामिया कुछ देर में जारी होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेरे सदारत इजलास में 6 जजेस के खत के मामले पर गौर किया गया। तमाम जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात के हवाले से भी जजेस से मुशावरत की गई। हुकूमत का 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अच्छी साख वाले गैर जानबदार रिटायर्ड जज से इंक्वायरी कराई जाएगी। काबीना इजलास में तहकीकाती कमीशन के हवाले से गौर होगा। 2 से 4 रोज में कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंक्वायरी कमीशन की TORs बनाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात में 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से छानबीन की जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में मौजूद थे। और वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। मुख्तलिफ मसरूफियात की बिना पर काबीना इजलास तीसरी बार मुलतवी किया गया। काबीना इजलास में हाईकोर्ट जजेस के खत का मामला भी जेर गौर आना था।